एकदम हलवाई जैसी जबरदस्त स्वादिष्ट मुंह बजाते घुल जाए ऐसी बनेंगे हमारी मिठाई, वो भी बिना मावा खोआ का बिना किसी झंझट के। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल, बहुत बहुत टेस्टिंग और बनाने में इतना आसान, एक नहीं दो नहीं पूरे छह तरह के मिठाई बनाएंगे, वो भी घर के रखी सामान और सिंपल तरीके से। कोई खाकर भी पहचान नहीं पाएगा कि घर के बनी हुई इतनी स्वादिष्ट मिठाई है। तो इन छह स्वीट के रेसिपी में से जो आपको पसंद आती है वो इस त्योहार पर बना सकती है। हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सी आपको रेसिपी पसंद आई है। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अपनी कुक डेली चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बहुत ही स्वादिष्ट स्पेशल शाही पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक पैन चाहे कढ़ाई जिसमें आप पेड़ा बनाने वाले हैं। ये मैंने अभी गैस के ऊपर नहीं रखे हैं, इसी तरह से किचन प्लेटफॉर्म पर रखे हैं। इसे आपको मिक्स करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक कटोरी दूध। अगर हम चम्मच से बोलूं तो 6 से 7 बड़े चम्मच दूध है, वजन से बोलूं तो 150 ग्राम दूध लिए हैं। ये सिंपल उबला हुआ रूम टेम्परेचर पर दूध है, ना गर्म ना ठंडा। बहुत आसान तरीके आपको बता रही हूँ गैस, इसे कोई भी बना लेगा। आप ये मैंने उसी कटोरी से एक कटोरी चीनी ली है, जिस कटोरी से एक कटोरी दूध लिए है ना, उसी कटोरी से एक कटोरी चीनी लेना है। आप स्वाद के अनुसार मीठा थोड़ा कम बेश कर सकते हैं। आप चीनी का जगह चाहे तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क हर घरों में हर समय नहीं मिलती है, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप चीनी डाल लीजिएगा। यदि आप कंडेंस मिल्क ले रहे हैं तो एक कटोरी यहाँ पर कंडेंस मिल्क डाल दीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी, 1 बड़े चम्मच और 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच इसमें परफेक्ट रहेगी। अब इसे अच्छे से एक बिस्कर चाहे पेचुला से आप घोल लीजिए। जब इसे आप गैस पर रखेंगे ना, चीनी पूरे तरीके से घुल जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी मिल्क पाउडर। जिस कटोरी से दूध और चीनी लिए है ना, बस उसी कटोरी से 2 कटोरी मिल्क पाउडर ले लीजिएगा। इजिली आपको आसानी से कोई भी किराने दुकान पर मिल जाएगा। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं, जैसे कि आप पतंजलि के ले लीजिएगा। यहाँ पर एक ही बात की आप ध्यान रखिएगा, डेयरी बैटनर मिल्क पाउडर बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी। ये मैं डेयरी बैटनर मिल्क पाउडर लिए है, इसीलिए आपको हम बता रहे हूँ। चाहे तो स्किड मिल्क पाउडर भी ले सकते, किसी भी ब्रांड का आपको कहीं भी मिल जाएगा, चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ये 2 कटोरी है, वजन से बोलता 250 ग्राम मिल्क पाउडर मैंने ली है। आप क्या करेंगे, बिना गैस पर रखे हुए थोड़ा थोड़ा करके डालिए और एक बिस्कर से मिक्स करते जाइए। इससे क्या होगा, ये लम्स नहीं बनेंगे। और आसानी से पहले सारी चीजें मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद आप गैस पर चढ़ाइएगा। इतने बढ़िया पेड़े बनेंगे कि आप खाते रह जाएंगे, कोई भी बनाने में परेशानी नहीं आएगी या नहीं खींची खींची लगेगा। जो बाजार के दूध वाले पेड़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। सारे दूध के पाउडर डाल दिए, ये इस प्रकार के इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ा गाढ़ा दिख रहा होगा। जब इसे हम गैस पर रखेंगे ना तो और भी अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा, फिर उसके बाद गैस पर रखिएगा लो फ्लेम पर। इस तरह से लगातार चलाते हुए जब तक पकाइएगा तब तक ये अच्छे से पैन छोड़ने न लग जाए, तब तक इसे कंटिन्यू चलाना है। बहुत ही कम समय यानी 5 मिनट में बन जाने वाला इस शाही पेड़ा इतने टेस्टी बनते हैं, जब इसे आप खाएंगे ना मुंह में जाते घुल जाएगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगेगा, आपको लगातार चलाते रहना है। आपको यहाँ चिपका चिपका सा लग रहा है तो थोड़ा सा घी आप डाल सकते हैं, ऐसे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन स्टिक आप पैन चाहे कढ़ाई ले रहे तो बिल्कुल भी घी डालने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीनी घुल गई है, ये देख सकते हैं धीरे धीरे पैन के छोड़ना शुरू कर दिया है, एकदम मावा की तरह लग रहा है ना। कोई घंटों दूध उबाल उबाल के पेड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली इस मिल्क पाउडर से पेड़ा तैयार कर लेंगे। आप यहाँ आपके च्वाइस से दूध के फ्लेवर पसंद करते हैं तो कोई भी फ्लेवर मत डालिए। यदि आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दीजिए, रोज एसेंस, चाहे केवड़ा जल, चाहे केसर के धागा, कुछ भी अपने मनपसंद के फ्लेवर डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची के पाउडर खुशबू के लिए, आप अपने च्वाइस के हिसाब से डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरे इकट्ठा हो गया है। यदि यहाँ पर आपको जरूरत लगती है थोड़ा घी के तो आप डाल सकते हैं, इसको बनाने में घी बहुत कम लगती है। और अच्छे से हम इलायची पाउडर के मिक्स कर लिया है और पैन भी छोड़ने लगा है। अब आप इसी स्टेज पर गैस के बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही परफेक्ट हो गया है। अब इससे ज्यादा आप पका देंगे ना तो इसमें खिंचाव आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मिक्स तैयार है कि नहीं, आप लीजिए थोड़ा सा मिक्स और फिंगर से बॉस इस तरह से बनाकर देखिए, हाथों पर चिपक नहीं रहा है, ये परफेक्ट है कि हमारा मिक्स बिल्कुल तैयार हो गया है पेड़ा बनाने के लिए। और इससे ज्यादा नहीं पकाना है, आप लीजिए एक चॉपिंग बोर्ड, चाहे किचन प्लेटफॉर्म पर भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा घी लगा के आप चिकना कर लीजिए। अब चॉपिंग बोर्ड भी तैयार हो गई है, अभी जो मिक्स तैयार किया है ना वो सारे मिक्स आप इस तरह से निकाल लीजिए। अब थोड़ा सा हाथों पर लगाइए घी, और जब छूने लायक हो जाए तब इस तरह से मसल करके स्मूथ कर लीजिएगा, तब इसके पेड़े आपके बढ़िया बनेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ ना। बस इस तरह से थोड़ा सा हाथ पर घी लगा के चिकना कर देंगे। ये काम आपको हल्का गर्म में ही करना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। और ये देखिए कितने स्मूथ हमारा पेड़ा के मिक्स तैयार हुई है, लग रहा है कि ये मावा है, एकदम दूध वाले आपके पेड़ा बनेंगे। आप इस तरह के एक बोल तैयार कर लीजिए। अब आप लीजिए एक बेलन, बेलन में हल्का घी लगा लीजिए और इसको एक मीडियम थिकनेस के, हल्का जो पेड़े के थिकनेस होती है ना, बस उतने तक इसे बेल लीजिएगा।
ये देखिए इतने थिकनेस के बेल कर तैयार करना है, यही बेल जाएगा, आपको बेलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आप लीजिए एक कुकिंग कटर, चाहे इस तरह के स्टील के गिलास ले लीजिए। ये स्टील के गिलास हर घरों में होती है, चाहे तो आप हाथ से लोई बना करके आप गोल गोल करके आप हथेली के बीच में रख के दबा दीजिए, उस तरह से भी आपके पेड़ा बन जाएंगे। ये मैं मार्केट वाला लुक दे रही हूँ, इसीलिए इस तरह से मैं काट रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप कट कर लीजिएगा। ये देखिए लग रहा है ना एकदम सुपर, इसी तरह से सारे पेड़ा के हम कट कर लूंगे। जो बाकी के जो मिक्स बच जाएगा उसे फिर से बेलकर बना लीजिएगा। ये देखिए मैंने सभी पेड़ों को कट करके तैयार कर लिया। ये आप देख सकते हैं एकदम मस्त दिख रहा है ना, इसकी टेक्सचर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं। तो यहाँ मैंने डेयरी व्हाइटनर मिल्क पाउडर लिए हैं, आपको थोड़ा अच्छे से पकाना होगा तभी आपके डेयरी व्हाइटनर मिल्क पाउडर से पेड़े बढ़िया बनेंगे। और सही तरीके से आपने नहीं पकाया तो इसमें थोड़ा सा आपको खिंचाव आ जाएगा। और भी कोई सा मिल्क पाउडर आप यहाँ पर लेते हैं ना तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं होता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि डेयरी व्हाइटनर मिल्क पाउडर आप ले रहे हैं तो पूरे टिप्स के फॉलो कीजिएगा, तभी आपके पेड़ा खींचा खींचा नहीं बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। अब मैं इसके ऊपर से गार्निश कर रही हूँ चांदी के वर्क से, आपके पास है तभी लगाइएगा वरना अपने तरीके से आप सजा सकते हैं। इसकी मैं थोड़ा हलवाई वाला लुक दे रही हूँ, इस तरह से ऊपर से लगाइए, थोड़ा इस तरह से लगाइए। इस तरह से मैंने ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है पिस्ता के कतरन से, थोड़ा सा गुलाब के पंखुड़ी से, लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसी, खाने में बहुत ही बढ़िया। थोड़ा गुलाब के पंखुड़ी से गार्निश कर लेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार हलवाई स्टाइल, 5 मिनट में बन जाने वाला बहुत बहुत टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाला स्पेशल शाही पेड़ा है। तो चलिए इसे हम कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल ही खींच नहीं रहा है, यही बात है कि ये परफेक्ट बने हैं। इसकी टेक्सचर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं, एकदम दानेदार बने हैं, आप देख सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, जो आपको टिप्स हम बताए हूँ डेयरी बटनट मिल्क पाउडर से भी आपके बहुत ही बढ़िया बनेंगे। एकदम सॉफ्ट रसीले बच्चे हुई रोटी के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। उसके लिए गैस पर एक रखिए कढ़ाई, चाहे कोई बर्तन रखिए, और उसमें डालिए 2 कप चीनी। 2 कप चीनी में 2 कप इसमें पानी डालिए, तो जितना आप चीनी लिए हैं उतने इसमें पानी डालनी है। यहाँ पर कोई भी कटोरा चाहे कप आप सेट कर लीजिएगा, उसी अनुसार से आप सारे मेजरमेंट कर लीजिएगा। ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। चीनी मेल्ट होते ही अब इसमें अच्छे कलर देने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे येलो फूड कलर। इसके जगह आप है तो केसर के धागा भी डाल सकते हैं, इसमें कलर थोड़ा सा बढ़िया आ जाए। और साथ ही फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे हम 3 से 4 हरी इलायची। तो इस तरह से मुंह खोल के आप डाल दीजिएगा। आप चाहे तो इलायची के पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे 5 मिनट तक बढ़िया से उबलने देंगे, फ्लेम के यहाँ पर हाई रखना है। यहाँ कोई भी 1 और 2 तार के चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इतना जब हम फिंगर पर डालकर चेक करें तो हल्का सा वो चिपचिपा सा हो जाए, बस हमें उतने तक चाशनी पका लेना है। चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ा और ठीक नहीं बनाना है, वरना आपके गुलाब जामुन अंदर तक सॉफ्ट नहीं बनेंगे, वो हार्ड बन जाएगा। तो चाशनी तैयार हो गई है, अब इसे स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे। जब हम गुलाब जामुन बनाए तो चाशनी गर्म रहे, चाशनी को हम एक साइड रखेंगे। तब तक हम गुलाब जामुन के फटाफट डो बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 बासी रोटी ली है, मतलब लेफ्ट ओवर रोटी होती है वो ली है। इसे मैंने तवा पर बिना तेल में सेक करके या फ्रिज में रखा था, इसीलिए ये पापड़ के तरह क्रिस्पी हो गया है। यही इसकी पहचान है कि ये बासी रोटी है। कई बार किसी के यकीन ही नहीं होता है कि ये बासी रोटी है। जब आपके पास बासी रोटी हो और इस तरह के क्रिस्पी ना हो तो आप यहाँ पर का कीजिएगा, फैन के नीचे 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा, चाहे तो कॉटन के कपड़ा में लपेट करके आधे घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, नहीं तो आप तवे पर सेक करके ठंडा कर लीजिए, वो पापड़ की तरह हो जाएगा। यहाँ मैंने 4 रोटी ली है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ ली है। अब लेंगे एक मिक्सी के जार, मिक्सी के जार में सारे रोटी हम टुकड़े किया हुआ डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गेहूँ के आटा। तो आप 2 रोटी से बना रहे हैं तो 1 बड़े चम्मच गेहूँ का आटा डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हम 4 रोटी से बना रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच इसमें गेहूं के आटा डाल देंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ, जब आप इसमें थोड़ा सा ड्राई पाउडर डाल देंगे तो ये अच्छे से फाइन पाउडर पीस जाएगा। ये देखिए अच्छे से पीस करके तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं इसमें रोटी का टुकड़ा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बढ़िया से फाइन पीस गई है। अब लेंगे एक बोल, बोल के ऊपर लगाएंगे एक छल्ली, छल्ली में सारे हम रोटी के पाउडर के डाल देंगे, डाल करके इसे छान लेंगे, जो भी इसमें थोड़ा बहुत रोटी का टुकड़ा होगा वो निकल जाएगा।
ये जो रोटी के टुकड़ा निकले हैं तो इसे आप साइड में रख दीजिए। अब करना का होगा ये कितना है, अब हम एक कटोरी से नाप लेती हूँ। यहाँ पर एक कटोरी चाहे कप से आप नाप लीजिए। ये रोटी के पाउडर एक कटोरी पूरे तैयार हो गई है। अब उसी बाउल में हम सारे पाउडर डाल देंगे और उसी कटोरी से सारे चीजें नाप कर लेनी है। और उसी कटोरी से हम हल्का गुनगुना दूध ले रही हूँ। यदि किसी वजह से आपके घरों में दूध ना हो तो यहाँ पर हल्का गुनगुना दूध भी डाल सकते हैं। यहाँ हल्का मैंने गुनगुना दूध कर लिया है। आज जितना हम रोटी के पाउडर लिए हैं उतने हम हल्का गुनगुना दूध लिया है। और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके आप मिला लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से दूध सॉफ्ट हो गया है। अब उसी कटोरी से 1.5 कटोरी लेना है मिल्क पाउडर। ऐसे तो आप मावा डालेंगे तभी बन जाएगा, लेकिन मिल्क पाउडर है ना वो हर किसी को आसानी से मिल जाता है। ये आपको वजन से बताऊं तो ये 100 ग्राम मिल्क पाउडर है। इतने से हमारा ढेर सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें हमें और चीजें डालनी है। बढ़िया गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें लेना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद में 2 छोटा चम्मच आप घी डाल दीजिए और 1 चुटकी आप नमक डाल दीजिएगा। यदि आपके पहले से रोटी में नमक डाला हुआ है तो यहाँ पर आप नमक नहीं डालिएगा। नहीं डाला हुआ है तो 1 चुटकी नमक आप डाल दीजिएगा। मीठी चीजों में थोड़ा सा नमक आप डाल देंगे तो फ्लेवर और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। बस इसमें कुछ भी नहीं डालनी है, अब इसे गुथना होगा। और यहाँ गुथने में आपको लगे कि थोड़ा टाइट लग रहा है तो 2 से 3 चम्मच के करीब आप दूध आप डाल दीजिएगा। ऐसे तो इसी डो से आटा गूथ जाती है, ज्यादा दूध की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा डो ऐसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं। कड़क डो हो गई तो ये गुलाब जामुन टाइट बनेंगे और तेल में फ्राई करते समय फट जाएंगे। अब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई तो इसका शेप परफेक्ट नहीं बनेगा। हमें हल्का सॉफ्ट और चिपचिपा चाहिए। ये रोटी के डो है तुरंत ही टाइट होने लगता है। जब आप इसकी बॉल्स बनाएंगे तो ना ड्राई होंगे ना ही सूखेंगे। इस तरह से आप हल्का सॉफ्ट आटा लगा लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा हाथों में घी लगाया है, बहुत यहाँ पर हेवी हाथों से मसलना नहीं है, न ही इसको जोर हाथों से मसलना है। जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं थोड़ा सा आटा के सेट करना है और इसके ऊपर से गीला कपड़ा से ढककर रखना है। अगर ये आटे ड्राई हो गई तो आपके गुलाब जामुन में दरारें आने लगेंगे। अब चलिए हम छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। आज हम मिनी गुलाब जामुन बना रहे हैं। ऐसे तो मेरे चैनल पर कई तरह के गुलाब जामुन आपने देखे हैं, बाकी आज हम मिनी गुलाब जामुन बना रहे हैं बची हुई रोटी से। ये देखिए छोटे साइज के चिकना बॉल्स तैयार हो गए। कहीं से आपको दरारें दिख रहा है, परफेक्ट ही बॉल तैयार हो गई है। अब इसी तरह से सारे गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार कर लेते हैं। जैसा हम बॉल्स बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये मावा और खोआ से गुलाब जामुन बने हैं। ये लग ही नहीं रहा है कि बची हुई रोटी से बने हैं। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, आपने कहीं पर भी नहीं देखे हैं। आप इस वीडियो को अपने फैमिली नंबर में जरूर शेयर कीजिएगा। ये सारे गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार हो गई। अब चलिए फटाफट इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए गैस के ऊपर आप कढ़ाई में आप तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और जैसे ही हल्का तेल गर्म हो जाए आप एक एक करके गुलाब जामुन की आप डाल दीजिए। ये देखिए हल्का हल्का इसमें से बबल्स आ रहा है, बस इतने गर्म हमें तेल चाहिए। और इसे धीमे धीमे आंच पर फ्राई करना है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि गुलाब जामुन के हमेशा धीमे आंच पर फ्राई किया जाता है, तब वो फूलते भी है और पकते भी है। जैसे जैसे गुलाब जामुन पकना शुरू करते हैं तेल में गुलाब जामुन फूल के ऊपर तैरने लगती है। इसका मतलब कि गुलाब जामुन अच्छे से पक रहा है। ये देखिए कितने छोटे छोटे गुलाब जामुन थे, इसका साइज फूल के डबल हो गया है। अब ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इसका जो कलर है ना ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, तभी तो ये मावा वाले गुलाब जामुन लगेंगे। जब आप इसे खाएंगे ना गाइस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बची हुई रोटी से गुलाब जामुन बने हैं। गुलाब जामुन जब तक फ्राई हो रहा है तब तक चलिए हम चाशनी का चेक कर लेते हैं। तो चाशनी में थोड़ा सा हम डालेंगे केवड़ा जल। आपके पास है तो डालिए, ना तो स्किप कर सकते हैं। इसमें हम इलायची डालें ना, उसका भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। यदि आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो हल्का यहाँ पर गर्म कर लीजिएगा। हल्का गर्म चाशनी में गुलाब जामुन डालेंगे। ये देखिए अच्छे से गुलाब जामुन फ्राई हो गई है। अब इसे हम छन्नी में निकाल लेंगे। अब चलिए फटाफट हम चाशनी में डाल देंगे। धीरे से आप लेड हटाइए, पूरे गुलाब जामुन के डाल दीजिए। फिर से यहाँ बता रही हूँ, हल्की गर्म चाशनी में डालिएगा, ठंडा चाशनी में बिल्कुल नहीं डालिएगा। चम्मच से इस तरह से आप गुलाब जामुन के ऊपर चाशनी डाल दीजिए, अच्छे से चाशनी इसमें भर जाएगी। तो गुलाब जामुन जब बना रहे तो चाशनी थोड़ा सा आप ज्यादा करके बनाइएगा, क्योंकि इसमें चाशनी थोड़ा ज्यादा लगती है। अब चलिए सेकंड बेच के फ्राई कर लेते हैं फटाफट। अब इसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और सेकंड बेच के भी उसी तरीके से फ्राई करेंगे। तेल के हल्का गर्म रखेंगे, धीमा धीमा आंच पर इसे फ्राई करेंगे।
ये दूसरे बेच के भी फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। अब गुलाब जामुन का मिक्स करके ढक्कन लगा दीजिए तो ये गोल्डन कलर के गुलाब जामुन बन गए हैं। अब आपको काले गुलाब जामुन चाहिए तब आप इस समय गोल्डन होने के बाद आप इस समय फ्लेम के बढ़ा दीजिए और इसे काला कलर होने तक फ्राई कर लीजिए। काला कलर हमें डालने की नहीं होती है, हमें तेज फ्लेम पर फ्राई करना होता है। ये देखिए बढ़िया सा गुलाब जामुन काला कलर के बन गई है। आप चाशनी में डाल दीजिए। ये देखिए सारे गुलाब जामुन गाइस बन गए हैं। ये 50 से ऊपर गुलाब जामुन बने हैं। तो ये सारी चीजें आपके घर में ही होती है, आपके खर्च करने के पैसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के रखी हुई सामग्री से इतनी अच्छी आपके गुलाब जामुन बनेंगे कि आप मार्केट से लाना छोड़ देंगे और इसी तरह से बनाना गुलाब जामुन पसंद करेंगे। अब इसके ऊपर से ढक्कन लगाकर 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको हम रिजल्ट इसके दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस 1.5 घंटे हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया से गुलाब जामुन फूल के डबल हो चुकी है और अच्छे से रस भर गई है। खाने में इतने गजब के लगते हैं कि आप मार्केट से आप खरीद के गुलाब जामुन पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलिए हम इसे तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। अंदर से इतने सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं, आप जिसे भी खिलाएंगे कोई यकीन ही नहीं करेंगे कि बची हुई रोटी से इतनी अच्छी मिनी गुलाब जामुन बने हैं। ये मिनी गुलाब जामुन क्या रक्षाबंधन के त्यौहार पर बनाइए, चाहे तीज के त्यौहार पर बनाइए, चाहे आपके घरों में छोटी मोटी कोई पार्टी हो, तो ये गुलाब जामुन बिना पैसे खर्च किए बना सकते हैं। अब इसे एक प्लेट में सर्व करके और तोड़ के आपको दिखाती हूँ। हम भी इसे घर पर बनाया था, किसी के यकीन ही नहीं था कि इतने टेस्टी बची हुई रोटी के गुलाब जामुन बने हैं। ये देखिए चाशनी अंदर तक अच्छे से काले वाले गुलाब जामुन में भी भर गई है। सारे गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बने हैं, अब बहुत ही टेस्टी बने हैं। कभी भी आपको मीठा खाने के मन हो तो मेरे तरीके से आप जरूर एक बार बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हलवाई जैसी बहुत ही स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली रवा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी सूजी। यहाँ सबसे जरूरी टिप्स है वो है फाइन सूजी। ये देखिए यहाँ एकदम फाइन यानी बारीक सूजी है। इससे जो बर्फी के टेक्सचर आती है वो खाने में एकदम मावा बर्फी की तरह लगता है। यदि आपके पास मोटा वाली सूजी हो तो आप मिक्सी जार में डाल करके आप 1 से 2 बार चला लीजिएगा, आपकी फाइन सूजी तैयार हो जाएगी। मेजरमेंट से कहूँ तो ये 200 ग्राम सूजी मैंने ली है। आप कोई भी घर के कटोरा चाहे कप सेट कर लीजिएगा और सारे उसी अनुसार मेजरमेंट आप कर लीजिएगा। अब फटाफट गैस के ऊपर चढ़ाएंगे एक पैन, चाहे आप कढ़ाई चढ़ा लीजिए। इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। बर्फी वगैरह देसी घी में ही बहुत अच्छी बनती है। आप घी के जगह वनस्पति घी चाहे रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। अब घी को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। अब बारी आती है हलवाई के और सीक्रेट चीज है जिससे बनेगी इतनी बढ़िया बर्फी जैसे लगेगी कि मावा बर्फी है, वो है बेसन। इसमें डालकर आप जरूर देखिएगा जैसे इसकी स्वाद लगे कि ये मावा बर्फी है, इससे टेक्सचर और स्वाद सारे निहंस हो जाएगा 1 चम्मच बेसन से। अब बेसन को यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेंगे जैसे कि कच्चापन निकल जाए और इसकी कलर चेंज ना हो। पूरे बर्फी में एक बात के खास ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज के ज्यादा भूनकर कलर चेंज नहीं कीजिएगा और पूरे रेसिपी में हम ध्यान रखेंगे जैसे बर्फी बाजार में मिलती है। और ये लीजिए थोड़ी देर मैंने बेसन के भून लिया है और इसमें से कच्चापन निकल गया है और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। बस इसी स्टेज पर हम डाल देंगे 1 कप सूजी, सारा सूजी के डाल देंगे। अब लगातार चलाते हुए सूजी को बढ़िया से खुशबू आने तक भुनना है, लेकिन ध्यान रखना है कि कलर चेंज ना हो, उसके लिए सूजी के छोड़ना नहीं है, जैसे कि सूजी के एक एक कण में घी अच्छे से समा जाए। ये बर्फी काफी हल्की होती है, टेस्ट इसका सबको पसंद आता है, बनाना बहुत आसान। ये देखिए सूजी बढ़िया से भून गया है, कलर भी चेंज नहीं हुआ, एक एक दाना फूल गया है, यही सबसे खास बात है। हल्का मावा की तरह दिख रहा है, ये आपको पास से हम दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना भूनना है कि कलर इसकी चेंज ना हो और कच्चापन बिल्कुल निकल गया है। यदि आपको घी की मात्रा कम लग रहा है तो थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा। अब इस बर्फी को हम बना रहे हैं बिना मावा खोआ के। अब चलिए इसमें डालते हैं ऐसी कि इसका टेक्सचर और स्वाद सब बदल जाएगा, वो है दूध की मलाई। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के दूध के मलाई लिए। जब हम दूध उबालते हैं दूध के ऊपर एक मोटी सी परत आ जाती है, बस ये मैंने वही ली है। अब लो फ्लेम पर बढ़िया से मलाई के फेंटते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। आप यकीन मानिए ना तो आपको मावा खोआ की जरूरत पड़ेगी, ना इसमें काजू के पाउडर, ना कंडेंस मिल्क डालने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे डालते जाएंगे झाग इसमें आने लगेगा और सूजी के दाना एकदम फूल के सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। जैसे हम दूध के मलाई लिए थे इसमें घी बहुत कम लगेगा। आपके पास दूध की मलाई ना है तो आप
चाहे तो घी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के आप डाल लीजिएगा, और नहीं तो थोड़ा दूध भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही कम सामान से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बढ़िया सा सूजी का दाने फूल गया है, ये बर्फी दानेदार बनेगी। बस 2 मिनट आपको भुनना है। लीजिए अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। ये मैंने नेक्स्ट चीज ली है, वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई सा भी ब्रांड के ले सकते हैं। 10 रुपए वाली पैकेट इजीली कोई सा भी दुकान पर मिल जाएगा। ये मैं 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर ले रही हूँ। जब आप गैस के बंद कर दे तब गर्म पेन में ही इस तरह से आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए और बंद गैस पर बढ़िया से इसे मिला लीजिए। मिल्क पाउडर डालने से किसी भी मावा खोआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, लगेगा ही नहीं कि सूजी से बनी हुई बर्फी है। लीजिए हमारा मिक्स बर्फी के हो गई है तैयार। अब गैस के ऊपर से पेन की हम अलग रखेंगे और यहाँ हम बनाएंगे चाशनी। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, या कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी चीनी। जितना हम सूजी लिए थे ना, बस उसी कटोरी से 1 कटोरी आप चीनी डाल दीजिए और उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी डाल देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पहले चीनी के हम घुलने देंगे और एक उबाल इसमें बढ़िया से आने देंगे। अक्सर हम सभी बाजार से मिठाई खरीदते हो, महंगी भी आती है, पता भी नहीं होता है कि उसमें क्या डाला हुआ है, कैसे तेल घी में बनी हुई है। सावन के सारे त्योहार शुरू हो गई है, रक्षाबंधन, तीज के त्योहार, ऐसे में आपको ये मिठाई बहुत काम आने वाली है। लीजिए चीनी भी घुल गई है। यहाँ पर चाशनी के हमें 1 और 2 तार के नहीं बनानी है, वो हल्का सा चिपचिपी सी हो, जैसे गुलाब जामुन के चाशनी बनाते हैं ना। आप फिंगर के बीच में रखकर आप चेक करके देखिएगा, हल्का सा चिपचिपा सा हो और तेल के तरह चिकना हो, बस उतने तक चाशनी तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने 1 और 2 तार के बना ली तो फिर आपने बर्फी बनाई तो अक्सर वो बर्फी कड़क हो जाती है। अगर आपने चिपचिपी तक होने तक नहीं पकाया, वो पानी पानी जैसा रह गया तो हलवा बन जाएगा। यहाँ आपको खास ध्यान रखना होगा, हानि की तरह एकदम चिपचिपी चाशनी बना के तैयार करना है। अब इसमें डालेंगे रवा बर्फी के और भी टेस्टी बनाने के लिए 1/2 छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। आप चाहे तो केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से फिंगर के बीच में आप लगा कर देखिए, ये तार नहीं बन रहा है, खींच भी नहीं रहा है, लेकिन चिपचिपी दिख रहा है। इसे कहते हैं चिपचिपी चाशनी, तेल के तरह चिकना लग रहा है। बस इतना तक चाशनी के तैयार करना है। और सूजी वाले पेन के लाएंगे इधर, फ्लेम के रखेंगे लो और धीरे धीरे ये जो हमने चाशनी तैयार की है ना, इसे हम डालते जाएंगे, एक हाथ से चलाते जाएंगे, देखेंगे कितनी जरूरत है। ऐसे तो रेशो बराबर रहनी चाहिए, ये परफेक्ट है। चाशनी हमने बराबर क्वांटिटी में बनाई है और चाशनी डालने के बाद में लो फ्लेम पर जब तक ये मिक्स पेन या कढ़ाई छोड़ने न लग जाए तब तक इसको पकाएंगे, यानी बर्फी के जमने कंसिस्टेंसी तक आ जानी चाहिए, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कैसे लम के तरह घूम रहा है। चाशनी भी सारी सूजी अब जब कर ली है और कलर टेक्सचर आप देख सकते हैं कैसे पेन के छोड़ रहा है। यही आप समझिए कि आपके बर्फी परफेक्ट बन रहा है। आप कैसे पता चलेगा कि बर्फी जमाने के स्टेज पर आया है कि नहीं, उसके लिए आप लीजिए एक प्लेट, थोड़ा सा मिक्स डालकर थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। आप ऐसे बॉल बनाकर देखिए, ये हाथों पर चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के बर्फी जमाने के लिए तैयार हो गई है। इससे ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये बर्फी है ना वो हार्ड बन जाएगी। बस इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। अब बर्फी जमाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 थाली। अब स्टील के थाली पर थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर देंगे। अब ग्रीस किया हुआ थाली में सारे बर्फी वाला मिक्स को डाल देंगे और इस तरह से पेचुला चाहे कटोरी से चिकना करके लेबल कर देंगे। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, अभी तो जमा नहीं है, जब ये जम जाएगी तो आप यकीन नहीं करेंगे बिना मावा बिना खोआ के बर्फी बनी है। सिर्फ थोड़ा सा दूध के मलाई या दूध के पाउडर से बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। आप यहाँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग ऊपर से कर सकते हैं, चाहे तो आप प्लेन भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सजा रही हूँ बारीक कटी हुई बादाम और पिस्ता के कतरन से। अब सजाने के बाद में इस तरह से पेचुला से सारे ड्राई फ्रूट के दबा दीजिए ताकि अच्छे से इस बर्फी में सेट हो जाए, और इसे पूरी तरह से 1 घंटे के लिए किचन प्लेटफॉर्म पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, चाहे तो फैन के नीचे थोड़ी देर रख दीजिए। आपको जल्दी है तो फ्रिज में आप 1/2 घंटे के लिए रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। लीजिए हमारी हलवाई जैसी रावा बर्फी बिल्कुल तैयार हो गई है, परफेक्ट सेट भी हो गई है, एकदम बेहतरीन लग रही है की सूजी के बर्फी बनी हुई है। कलर देखिए कितना मस्त आया है, एकदम मावा जैसा। बस अब इसको मन चाहे सेम में कट कर लेंगे इस तरह से।
ये देखिए इसकी दानेदार टेक्सचर। यही खास बात है कि हमारा सूजी के बर्फी बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा हलवाई स्टाइल बहुत बहुत स्वादिष्ट मलाई रवा बर्फी। इसे बनाना तो बिल्कुल बनता है त्योहारों पर, जब इसे आप बनाएंगे तभी असली स्वाद इसकी जान पाएंगे। एकदम दानेदार भी है और मावा जैसा भी है। इसकी टेक्सचर पीछे से आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट आई है। अब इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बनी है ना एकदम मुंह में घुल जाने वाली। ऐसी ही रहेगी 2 महीने तक और खाने बहुत ही लाजवाब लगती है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बर्फी आपको बहुत पसंद आएगी। घर के 3 से 4 चीजों से तैयार कर सकते हैं, नो फेल वाली रेसिपी है, इसे कोई भी बना ले, बनाना बहुत आसान है। बहुत ही स्वादिष्ट हलवाई स्टाइल काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी चीनी। यहाँ मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरा चाहे कप सेट कर लीजिएगा, उसी अनुसार सारे मेजरमेंट आप कर लीजिएगा। ये वजन से बोलूं तो 250 ग्राम चीनी लिए हैं। अब लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार, सारे ग्राइंडिंग जार में चीनी के आप डाल दीजिए। अब साथ में डाल दीजिए 3 से 4 हरी इलायची। अब हम लेंगे 10 से 12 साबुत काजू। यहाँ पर साबुत काजू मैंने इसलिए ली है कि आपको दिखा सकूं। आप चाहे तो 10 से 12 टुकड़ा काजू ले सकते हैं। सिर्फ 10 से 12 काजू से ढेर सारी काजू कतली तैयार हो जाएगी। 10 से 12 काजू के हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो 6 से 8 काजू से भी बना सकते हैं। यदि आप 1 कप से बनाएंगे तो 10 या 12 काजू डाल दीजिए, चाहे तो आप टुकड़ा काजू भी डाल सकते हैं। इस मिठाई के बनाने में एक फायदे और भी है, जब हम काजू के पीसते थे तो उसमें ऑयल रिलीज हो जाता था, नहीं तो ऑयल निकल जाता था, जिससे पीसने में परेशानी आ जाती थी। वो परेशानी इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा काजू है और चीनी के साथ अच्छे से पीस जाएगी। ये लीजिए फाइन पीस करके तैयार कर ली है, फिर भी हम रिक्स नहीं लेंगे। अब एक छलनी से बढ़िया से इसे छान लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत टुकड़ा होगा से निकल जाएगा। आप यकीन मानिएगा इस काजू कतली इतने टेस्टी बनेंगे, ना दूध ना मावा खोआ कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। और तो और बिना गैस जलाए मिनटों में इस त्योहार पर सिर्फ 10 से 12 काजू से तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत कन रह गया तो इसे हम साइड में रखेंगे, इसे भी हम आगे यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लेंगे 1 ग्राइंडिंग जार, ग्राइंडिंग जार में डालेंगे 1 कटोरी भुने हुए चने। ये आप देख रहे हैं गाइस, बिना छिलका के चने हम लिए हैं, आसानी से आपको कोई भी किराने दुकान पर मिल जाएगा। चाहे तो यहाँ पर काले चने भुना हुआ आते हैं ना छिलका वाली, वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसे आप छिलका हटाकर आप उसे छलनी से छानकर साफ कर लीजिएगा, ये बहुत सस्ती मिलती है। इसे आप 1 कटोरी ले लीजिएगा, ये ग्राम से बोलूं तो 150 ग्राम है। अब इसमें मैंने जो पहले छान के रखा था ना काजू के, थोड़ा कण रह गया था, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब ऊपर से ढक्कन लगा के फाइन पाउडर पीस के तैयार कर लेती हूँ। लीजिए इसका भी फाइन पाउडर पीस के तैयार कर ली है, फिर भी रिक्स नहीं लेंगे, एक बार इसे भी छान लेंगे। लेकिन यकीन मानिए आप इस मिठाई को किसी के भी खिलाएंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें भुना हुआ चना भी डाले हैं। ये इतनी टेस्टी लगेगा कि मुंह में जाते घुल जाए, जिससे लगेगा कि सिर्फ काजू से बनी हुई है कतली। अब ये जो कण रह गई है ना, इसे हम साइड में रखेंगे। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ सारे टिप्स का फॉलो कीजिएगा। पूरे वीडियो को देखिएगा, आप किसी भी त्योहार पर बनाएंगे तो ये मिठाई आपके एकदम बजट में बनेगी। सारी चीज मिक्स करने के बाद में मैं इसमें 1 कटोरी भर के डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। 10 रुपए वाली पैकेट आती है ना, वो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये टोटल 3 कटोरी है, 1 कटोरी चीनी और काजू के पाउडर लिए हैं, 1 कटोरी भुने हुए चने के पाउडर, 1 कटोरी मिल्क पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ घी, 3 चम्मच भर के डाल दिए हैं। घी के अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि एक एक रेशो में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। ध्यान रहे एक साथ दूध नहीं डालिएगा। ये हम बॉईल किया हुआ दूध 1/2 गिलास लिए हैं, ना गर्म ना ठंडा। एक एक चम्मच करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिक्स करेंगे तो डो जैसा बन के तैयार हो जाएंगे। और इसमें 4 से 5 चम्मच दूध लगेगा। जब ये डो के फॉर्म में आ जाएगा तब इसमें दूध नहीं डालिएगा। ये टोटल मिठाई की आप वेट करेंगे तो पूरे 600 ग्राम बनेगी। ये 600 ग्राम मिठाई की आप खरीदने जाएंगे तो काफी पैसे खर्च हो जाएगा। घर में सिर्फ 60 से 70 रुपये खर्च करके हम तैयार करेंगे। लीजिए पूरी तरह से मिठाई के मिश्रण तैयार हो गई है। आप यहाँ पर एक फॉइल पेपर लीजिए, चाहे कोई पोलोथीन लीजिए, चाहे इस तरह के बटर पेपर भी आप ले सकते हैं। अब बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा आप घी चाहे ऑयल से आप ग्रीस कर दीजिए। जब इस पर आप काजू कतली बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं। ग्रीस करने के बाद में अब आपको क्या करना है, पूरे डो को रखिए एक बटर पेपर पर। अब हाथों से इस तरह
से आप प्रेस कर दीजिए। प्रेस करके आप हल्के बेलन से आप इसे बेल लीजिए। ये आपको थोड़ा दरारे दिख रहा होगा, साइड के हम मोटे किनारे के कट कर लेंगे और कट करके रोल बना के फिर साइड से हम जोड़ लेंगे, जोड़ के इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। ऐसा करने से काजू कतली हम ज्यादा बना पाएंगे। ये मैं रोल बना के ज्वाइन करी थी तो ये वीडियो शूट नहीं हुआ था। आप रोल बना के साइड से किनारे से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं सारे टिप्स बता रही हूँ, आप सारे टिप्स क्या फॉलो करेंगे तो आपका भी काजू कतली बहुत ही बढ़िया बनेंगे। इसी तरह से हलवाई भी बनाते हैं। यहाँ आप खास ध्यान रखिएगा, ना कहीं ज्यादा पतला ना कहीं ज्यादा मोटा बेलिएगा, एक साइज के बेल के तैयार कर लीजिएगा। हलवाई के यही अच्छे टिप्स होता है, को साफ नाइफ से कट करते हैं, थिकनेस सब तरफ इक्वल होता है और कटिंग भी एक साइज के करते हैं, इसीलिए हलवाई के दुकानों पर मिठाई देखने बहुत ही सुंदर दिखता है। ये मैं साइड से कट कर रही हूँ, आप चाहे तो नाइफ से कट कर लीजिए, चाहे इस तरह से आप स्केल से भी कट कर सकते हैं और इसी तरह से सारी मिठाई के कट कर लीजिए। ये जो साइड के मिश्रण रह गया, इसे करना क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये लीजिए, स्क्वायर से मैं कट कर ली है। अब इसे आप स्केल से इस तरह से मार्जिंग देते जाइए, नाइफ से कट करते जाइए, नाइफ से चाहे स्केल से इस तरह से। बहुत पुराना सेव है, ये पहचान में आ जाती है कि ये तो काजू कतली है, हम भी इसमें काजू डाले हैं गाइस। ये देखिए बन गई है बिल्कुल परफेक्ट काजू कतली। अब ये जो अलग शेप के है इसे निकाल के हम हटा देंगे। ऐसी हलवाई भी करते हैं, इससे क्या होता है ये डायमंड शेप के बन गई है। बिना डायमंड शेप के हटाकर हम साइड में रखेंगे, उसे मैं बाद में बताऊंगी। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल डायमंड शेप के तैयार हो गई है काजू कतली। और काजू कतली के हलवाई जैसी सजाने के लिए ऊपर से लगाएंगे एक चांदी के बर्क। आपके पास है तो लगा दीजिए, वरना आप ऐसे सर्व कर सकते हैं। जब आप बर्क लगा देंगे तो सभी समझेंगे कि ये परफेक्ट काजू कतली बनी है। तो ये लीजिए हलवाई स्टाइल, मुंह में घुल जाने वाली बिल्कुल तैयार है काजू कतली। इसकी टेक्चर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आई है। अब चलिए अब मिठाई को हम प्लेट में कैसे सजाते हो आपको बताती हूँ। इस तरह से आप सजा सकते हैं। ये जो हमने मिठाई बनाई है ना, इतनी टेस्टी बने है कि बनाने पर मजबूर हो जाओगे। तो लीजिए बहुत बहुत स्वादिष्ट हमारी काजू कतली बिल्कुल तैयार है। देखने में एकदम टाइम टाइम लग रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त लग रही है। इसमें सिर्फ हम 10 से 12 काजू हम डाले हैं, ढेर सारी काजू कतली तैयार हो गई है। भुने हुए चने डाले हैं, किसी के भी आप खिलाओगे उसे बताओगे नहीं, कोई खाकर भी नहीं बता पाएगा कि भुने हुए चने से काजू कतली बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। चलिए इसे तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए तोड़ने से आपको पता चल गया ना कितनी सॉफ्ट बनी है काजू कतली, बहुत ही परफेक्ट बनी है। इतने सॉफ्ट बने हैं कि मुंह में जाते घुल जाए। आप इस बार के रक्षाबंधन के त्योहार पर इस तरह से काजू कतली बनाइए, आपके बजट में बनेगी, सिर्फ 60 से 70 रुपए खर्च होंगे और भुने हुए चने थोड़ा सा काजू से ढेर सारी काजू कतली तैयार हो जाएगी। उम्मीद एकदम हलवाई जैसी सॉफ्ट दानेदार मोहन थाल बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक थाली, या थाली में डालेंगे डेढ़ कटोरी बेसन। आप घर की कोई भी सिंपल कटोरी चाहे कप सेट कर लीजिएगा, सारी मेजरमेंट उसी अनुसार कर लीजिएगा। यह मैं वजन से बताऊँ तो 250 ग्राम बेसन ले रही हूँ। घर में बेसन मोटा पतला जैसा भी है आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट दानेदार मोहन थाल बर्फी बनाने के लिए हमें स्पेशल मोटा वाली बेसन लेना होगा, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके पास बेसन अवेलेबल वही आप ले लीजिएगा। अब मोहन थाल बर्फी के एकदम दानेदार बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ घी। तो घी हम डायरेक्ट बेसन में नहीं डालेंगे, उसके लिए लेंगे एक पेन। पेन में डालेंगे 3 बड़ा चम्मच घी, या साथ ही डालेंगे उबला हुआ 3 बड़ा चम्मच दूध हम डाल देंगे। ये जो रेसो मैं बता रही हूँ परफेक्ट रहेगा, आप ऐसे ही बनाइएगा, आपके मोहन थाल बर्फी एकदम दानेदार बनेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हल्का 1 से 1.5 मिनट तक गर्म करेंगे, इससे घी और दूध दोनों आपस में मिलजुल जाएगा, घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये जो मैं बता रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, लीजिए घी भी अच्छे से दूध के साथ मिलजुल गया है। अब गैस के बंद कर देंगे। यहाँ बेसन हमने ली है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी और दूध के मिक्स डालते जाएंगे और हाथ से इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे। हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करना है, इसमें एक एक रेसो में घी के मोयन अच्छे से समा जाए। इसे अच्छे से मसल मसल के बेसन के बढ़िया से दूध और घी के साथ मिक्स करेंगे, उतने बढ़िया आपके टेस्टी दानेदार मोहन थाल बर्फी तैयार होगी। और इस तरह से आप मिक्स कीजिएगा, ऐसे दोनों हाथ से रगड़िएगा। इसी तरह से गुजरात में बनाया जाता है, इस स्टेप के कहते हैं मोयन लगाना। इस तरह से मिक्स करने के बाद में आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक एक दाने दिख रहा है, इसी से मोहन थाल बर्फी एकदम दानेदार और सॉफ्ट बनेगा। और इस तरह से सब तरफ से दबा दीजिए, दबा कर आप 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ दीजिए, अच्छे से बेसन सेट हो जाएगा।
10 मिनट हो गया है, अब हम बेसन के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बेसन हमारा सेट हो गया है। इसका हमें चाहिए एकदम दानेदार, बिना गांठे वाले लम्स इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दानेदार फाइन पाउडर चाहिए। उसके लिए मैं ले रही हूँ एक ग्राइंडिंग जार, आप चाहे तो मोटा वाली छन्नी से भी छान सकते, उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसमें मेहनत थोड़ा कम होती है। बेसन डालने के बाद में मिक्सी के डायरेक्ट नहीं चलाना है, थोड़ी देर चलाइए फिर थोड़ी देर रुकिए, फिर थोड़ी देर चलाइए फिर थोड़ी देर रुकिए, 5 मिनट पर इसे पीसना है। मिक्सी के 2 से 3 बार चलाइएगा बस, इससे ज्यादा नहीं चलाइएगा नहीं तो फाइन पाउडर बन जाएगा। लीजिए एक ही बार में ही आपका काम बन गया, वो भी बिना मेहनत के। ये देखिए एकदम दरदरा हमारा बेसन तैयार हो गया है। एक काम आप छलनी से करते तो टाइम लग जाता था, है ना आसान। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप यहाँ पर चढ़ाइए एक भारी तले के पैन चाहे कढ़ाई, यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम घी। तो घी एक साथ नहीं डालेंगे, 4 बड़ा चम्मच डाल देंगे, अब बाकी के बचेगा घी से हम बाद में यूज करेंगे। घी को आप मेल्ट होने दीजिए, घी पिघलते ही जो बेसन तैयार करके रखे हैं ना वो सारे इसमें डाल दीजिए और फ्लेम के लो टू मीडियम रखिए। अच्छे तरीके से घी के साथ करेंगे मिक्स और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक भुनेंगे। और ये आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा पतला और हल्का हो गया है और बेसन घी रिलीज करना शुरू कर दिया है। बेसन के पकाने में हमें 4 से 5 मिनट हुआ है। अच्छे मोहनथाल बर्फी की खास बात है कि आप पहले से ही बनाकर रख लीजिए, पूरे फ्रिज में आप स्टोर करके 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। ये देखिए बेसन कैसे फूल फूल के हल्का होते जा रहा है, देखिएगा और हल्का हो जाए। मुझे 6 मिनट हुआ है, जब बेसन डाले थे उस समय डार्क कलर था, अभी थोड़ा हल्का कलर हो गया है और इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे भुनता जाएगा इसमें डार्क कलर होता जाएगा, जब अच्छे से इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएगा तब हम यहाँ लेंगे हलवाई के सीक्रेट चीज, वो है दूध। तो आपको यहाँ पर मावा बिल्कुल भी यूज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल रूम टेम्परेचर पर न ठंडा न गर्म दूध है। ये आधा कटोरी दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, यहाँ एक एक चम्मच करके डालिएगा और मिक्स कीजिएगा। ये जो उठ उठ के बबल्स दिख रहा है ना वो बैठ जाएगा, ये जो मैं बता रही हूँ इसी से दानेदार बनेगा, कहीं कहीं तो मावा डाला जाता है। जैसे ही बबल से बैठ जाए इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा दूध डालते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे, फिर आप देखेंगे इसका कलर डार्क हो जाएगा और गाढ़ापन लगेगा। ये देखिए इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है। अब सारे दूध के हम डाल देंगे। दूध डालने से क्या हुआ, ये जो मोहनथाल बर्फी हम बना रहे हैं उसमें सॉफ्ट और क्रीमीनेस आएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट दानेदार बढ़िया भुन गया है। ये देखिए इसमें पैन भी आ रहा है, घी भी रिलीज करना शुरू हो गया है, पैन भी कैसे छोड़ रहा है, इकट्ठा सा ये मिश्रण हो गया है और इसी स्टेज तक बढ़िया से भुनना है। यहाँ जो घी थोड़ा बचा के रखे थे ना सारे घी इसमें लग गया है, पूरे घी इसमें डाल दिए हैं। अब गैस के हम बंद कर देंगे, गैस बंद करके तुरंत आपको छोड़ना नहीं है, कुछ सेकेंड आप चलाते रहिएगा। ये पैन अभी बहुत गर्म है, इसे रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप यहाँ पर कोई भी एक बर्फी वाली ट्रे चाहे थाली ले लीजिए, इस तरह से थोड़ा सा घी आप ग्रीस करके चिकना कर दीजिए। ये जो हम बर्फी वाली ट्रे लिए है बहुत बड़ा है, तो जितना में हम सेट करेंगे बर्फी उतने हम ग्रीस कर रही हूँ। आप पहले से ही बर्फी जमाने के लिए ट्रे चाहे थाली आप तैयार कर लीजिए। तो लीजिए यहाँ पर ग्रीस करके तैयार कर लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब गैस के ऊपर एक सॉस पैन इस तरह के चाहे कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से 1.5 कटोरी बेसन लिए है उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डालिएगा, ये 1 कटोरी चीनी परफेक्ट हो जाएगा। अब उसी कटोरी से 3/4 कटोरी पानी, ये देखिए आधा कटोरी से थोड़ा ज्यादा है पानी, आप ऐसा समझिए जब आप चीनी में पानी डालें तो बढ़िया से डूब जाए बस उतने भर। और फ्लेम के मीडियम टू हाई रखिएगा और चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। और यहाँ पर हमें बनानी है 1 तर की चाशनी। लीजिए चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, 1 से 2 बाल इसमें आ गई है। अब इसमें बिल्कुल हलवाई जैसा कलर मोहन थाल में आ जाए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। आप यहाँ पर फूड कलर डालना चाहते है तभी डाले, वरना आप स्किप कर सकते हैं। बिना फूड कलर के भी आप मोहन थाल बर्फी बना सकते हैं। और 1 से 2 मिनट पका ली है, अब चाशनी को चेक करते हैं। थोड़ा सा इस तरह से फिंगर के बीच में रख कर देखिए और ये देखिए इसमें 1 तार आ गया है। जब आप गैस के बंद करेंगे तो इसमें पूरे 1 तार के बन जाएगा। जब 1 तार के चाशनी बन जाएगी तब इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे और गर्म चाशनी को तुरंत से डालेंगे हमारा मोहन थाल के मिक्स में। गर्म चाशनी पूरे एक साथ मत डालिएगा, मिक्स हमारा रूम टेम्परेचर पर है, चाशनी अभी गर्म है, इसमें आप धीरे धीरे करके डालिए, आपको डालने में अंदाज हो जाएगा। और पूरे चाशनी डालने के बाद में 1 से 1.5 मिनट तक गैस पर पका लेंगे ताकि चाशनी के साथ अच्छे से मिलजुल जाए।
ये देखिए कैसे लम के तरह घूम रहा है। घी भी अच्छे से रिलीज हो गया है। 1.5 मिनट पूरे पका लिए है। इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे और पूरे मिक्स को डालेंगे हमारे ग्रीस किया हुआ ट्रे में। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से स्मूथ कर देंगे और मोहन थाल को रखेंगे सेट होने के लिए। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भी छोड़ेंगे तो ये आराम से बढ़िया से सेट हो जाएगा। और ये लीजिए हमारी मोहन थाल बर्फी सेट होकर बेहतरीन तैयार है। ये बढ़िया से सेट हो गया है। अब ऊपर से हलवाई जैसे सजा रही हूँ चांदी के वर्क से। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और इस तरह से यहाँ से करेंगे कट। के ऊपर थोड़ा सा हम सजा दी है बारीक कटी हुई पिस्ता के कतरन से, जैसे कि हलवाई के दुकानों पर होता है। और हमें रुके नहीं जा रहा है तो चलिए इसे हम तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम दानेदार। जब इसे आप खाएंगे तो मुंह में जाकर घुल जाएगी। इतनी स्वादिष्ट मोहन थाल बर्फी बनती है। ये रक्षाबंधन पर मस्त बनाने वाली रेसिपी है। बहुत ही स्वादिष्ट दिखाने में लगती है। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं एक थाली में। इसकी टेक्सचर आप देख सकते हैं, आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम बनी है ना लाजवाब। जब बनाएंगे तो पहली बार में ही परफेक्ट बनेंगे। बहुत आसानी से आप 6 रेसिपी में से कोई सा भी आप रेसिपी जो आपको फेवरेट है वो बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाना रेसिपी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा। सिर्फ आप घर के सामग्री से बना के इतनी अच्छी मिठाई तैयार कर सकते हैं। ये 6 तरह के मिठाई आपके बजट में बनेगी, बिना मावा खोआ के मिनटों में तैयार हो जाएगी। बहुत आसान रेसिपी है। आपको कौन सी मिठाई फेवरेट है हमें प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अपने ही होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।